हम लोग वेदांत के इस मूल सत्य को आधार मानकर आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि श्री अरविंद कहते हैं कि हमारे योग का जो मूल है जो बेसिस है जिसके आधार पर आगे बढ़ना है दैट इज ट्रूथ ऑफ वेदांत वेदांत के आधार पर आगे शेरविंद इसको संपूर्णता तक ले जाते हैं ऑफ योग में कहते हैं टू अराइव एट दी एम ऑफ तंत्रा थ्रू द मेथड ऑफ वेदांता तंत्र का लक्ष्य है भुक्ति सृष्टि के आनंद को सहन करना वहन करना क्योंकि सृष्टि का आदि स्रोत आनंद है और इसलिए सृष्टि का जो अंत है वह भी आनंद ही है एक जगह शेरविंद कहते हैं कि पूरा जो दिव्य लीला है वो क्यों आया है इसका अंत क्या है तो कहते हैं यदि एक 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 अगर मधुमक्खी का छत्ता हम लोग लें, तो मधुमक्खी का छत्ता में देखें बहुत सारे छोटे छोटे घर होते हैं एक समान और सब छोटे छोटे घर के अंदर शहद होता है मधु उसको निकालते हैं विशेष प्रोसेस है तो यदि एक एक मधुमक्खी का छत्ता में एक एक छोटा घर के अंदर जो मधु है वो जितने घर हैं वो सबके मधु का एक साथ टेस्ट कर सके स्वाद ले सके इस कारण से सृष्टि बनी है इफ ईच ड्रॉप ऑफ हनी को टेस्ट ऑल दी ड्रॉप ऑफ हनी और इसीलिए दिव्य जीवन का मूल क्या है दिव्य जीवन जीने का कला क्या है शेरविंद वो भी एक दूसरे फॉरिज्म में बताते हैं टू टर्न ऑल थिंग्स टू हनी मधुमक्खी उसके अंदर डंक होता है विष होता है काट लेती है तो पूरा कभी कभी एकदम हालत बहुत खराब हो जाती है वो विष से भरी हुई मधुमक्खी जगह जगह जाकर के कुछ कुछ अपने अंदर इकट्ठा करती है और फिर उससे वो शहद बनाती है तो जीवन के सब अनुभवों को आनंद रूपी शहद में बदल देना यह दिव्य जीवन का कला है क्योंकि ये रास्ते का प्रारंभ आनंद से हुआ है रास्ते का अंत आनंद में है इसलिए लॉजिकली रास्ते का जो मध्य है वो भी आनंद से होना चाहिए लेकिन कोई चीज है जो इस आनंद को ढक देती है मानव जीवन में ये सृष्टि के आदि स्रोत में आनंद है ये हम लोग साधारण जीवन में भी अनुभव करते हैं जब भी थोड़े देर के लिए हम लोग किसी भी विशालता में प्रवेश करते हैं सृष्टि के अंदर प्रकृति के अंदर प्रकृति के परे आनंद को हम छोड़ दें अगर मात्र प्रकृति के अंदर हम लोग किसी पर्वत पर या कोई विशालता का कई बार चित्र केवल देख लें पर्वत है भरा हुआ है बर्फ से उसका चित्र मात्र देखने से लोगों को आनंद प्राप्त होता है वो भगवान का फोटो नहीं है लेकिन वो इमीडिएटली मन के अंदर एक स्मृति लाता है विशालता की और वो स्मृति मात्र हम लोगों को आनंद से भर देती है हर्ष से प्रकृति के अंदर है ये आनंद और वो आनंद क्यों आता है क्योंकि हम उस समय अपने आप को भूल जाते हैं और उस विशालता को देखने लगते हैं प्रत्येक कण में आनंद है उसी प्रकार से छोटे से छोटा चीज ये तो विशालता का आनंद है कभी हम लोग प्रयास करें कि पत्ता को अगर ध्यान से देखें उसके ऊपर जो पैटर्न बना हुआ उसको ध्यान से देखें अगर हम धीरे धीरे उसको ध्यान से देखेंगे तो उसके पीछे छिपा भी हर्ष हम लोग प्राप्त करेंगे बड़ा सुंदर एक लाइन है गीता में कि इसको कैसे अनुभव करते हैं लोग आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम् कभी कभी जो देखते हैं वंडर वंडर के रूप में ये एक्सप्रेस करता है अपने आप को विज्ञानी की आनंद को लेता है जब वो विज्ञान को पढ़ता है कलाकार इस आनंद को लेता है जब उस कला को पकड़ता है एक चिरंतन आनंद है सब चीज के अंदर निर्जीव वस्तुओं में भी आनंद है पहाड़ के अंदर नदी के अंदर आनंद है सजीव वस्तुओं में आनंद है कभी अगर हम छोटा से छोटा कीड़ा को देखेंगे ध्यान से तो उसमें भी आनंद यहां तक कि इवन जो विषेले चीज है सर्प है उसको भी अगर हम निष्पक्ष रूप से देखें उसके पास जाके देखने से आनंद नहीं आता है लेकिन अगर हम दूर से देखते हैं तो उसके अंदर भी एक आनंद है ये आनंद मनुष्य के अंदर बच्चे में दिखाई देगा इसीलिए छोटे बच्चे से सबको स्नेह होता है नेचुरल किसी भी जीव का छोटा शिशु रूप देखेंगे तो स्नेह होता है मनुष्य के अंदर भी बच्चों से विशेष लोग आकर्षित होते हैं क्योंकि बच्चे के अंदर वो आनंद छिपा हुआ थोड़ा दिखता है लेकिन जैसे जैसे हमारे शिक्षा के द्वारा हमारा मन विकसित होता जाता है साथ में प्राण तत्व का विकास होता है वैसे वैसे बहुत सारे कंडीशनिंग माता पिता शिक्षक सब अंदर में डालते जाते हैं पहला कंडीशनिंग डालते हैं तुमको अगर खुश रहना है जीवन में तो ये होना चाहिए वो होना चाहिए तो पहले कंडीशनिंग शुरू हो जाता है खुश होना है तो तुमको फर्स्ट आना चाहिए खुश होना है तो ये होना चाहिए खुश होना है तो वो होना चाहिए जब तक वो बड़ा होता है इतना सारा सिर में पूरा मकड़ी का जाला जैसा तो वो आनंद को परसीव करने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है एक बड़ा सुंदर सच्चा स्टोरी है किसी का कोई लेडी जो फैशन डिजाइनिंग करती थी वो औरविल आई औरविल आकर के वो किसी से मिली वो टूरिस्ट का रूप में आई तो नेचुरल क्वेश्चन होता है बोले तुम क्या करते हो तो बोले वो व्यक्ति ने जवाब दिया हम यहाँ जी रहे हैं और बहुत आनंद से जी रहे हैं ये जवाब दिया कि नहीं बोला क्या करते हो पूछा था क्या करते हो मतलब क्या प्रोफेशन है तुम्हारा बोला हम यहाँ जी रहे हैं और बहुत आनंद से जी रहे हैं आई लिव हियर एंड आई एम हैप्पी तो बहुत अनकंफर्टेबल हो गई ये उत्तर सुनने का उसको आदि नहीं थी बाहर का संसार में पूछने से लोग निकालते हैं कार्ड उसमें बहुत सारा लिखा होता है एम बी बी एस एम डी डी एम सब अज्ञान का डिग्री लिखा होता है उसमें डी लीड बी एस सी एम एस सी पी एच डी तीन बार ये सब लिखा होता है वो कुछ नहीं बोला हम यहाँ जी रहे हैं बहुत आनंद से जी रहे हैं तो थोड़ा उसको अनकंफर्टेबल हुआ थोड़ा देर बाद फिर उसने प्रश्न किया हाँ वो सब तो ठीक है लेकिन कितना कमाते हो कैसे चल चलता है तुम्हारा गुजारा बोला इतना कमा लेते हैं कि पूरा महीना पूरा वो उसने बताया और में सिस्टम अलग है बोला पंद्रह सौ रुपया और उसमें मेरा पूरा महीना का काम चल जाता है जो आवश्यकता है और अंत में थोड़ा पैसा बच जाता है कि मैं एक किताब खरीद सकूं अब वो और भी परेशान हो गई बोला पंद्रह सौ रुपया मेरा ऑफिस में जो चाय लाता है पियोन, वो भी इससे डबल ट्रिपल कमाता है और ये आदमी इतना क्वालिफाइड है वो जिससे बात कर रही थी बहुत हाईली क्वालिफाइड ये इतना क्वालिफाइड आदमी पंद्रह सौ रुपया कमाता है और बोल रहा है मैं आनंद से हूं मेरा गुजारा चल जाता है लास्ट में किताब भी ले, ले लेता हूं तो बहुत परेशान हो गई वो उस आदमी ने शायद ये भाप लिया कि ये समझ नहीं आ रहा है इसको तो उसने आगे बोला उस व्यक्ति ने कि देखो जो चीज़ का मुझे ज़रूरत है वो माँ दे देती है और जो चीज़ मुझे नहीं मिला है तो मैं ये समझता हूँ कि उसका जरूरत नहीं है इसलिए माँ ने नहीं दिया है आई वाट आई नीड शी गिव्स मी उसने मान नहीं बोला शी हम लोग सेम थिंग शी गिव्स मी वाट आई नीड एंड वाट शी हैज नॉट गिवेन मी इट मीन्स आई डो नॉट नीड इट बहुत सिंपल लाइफ <laughs> वो लेडी अपना अनुभव डिस्क्राइब करती है पहला बार वो और भी लाई थी बोली मैं कंफ्यूज हो गई कि क्या सच है जो दिल्ली में मैं जीवन जी रही हूँ वो सच है ना ये और सच है कि ये पेड़ सच है कि मैं सच हूं एकदम कंफ्यूज हो गई और बोली मेरा मेरा अंदर इतना आनंद भर गया अचानक कि मैं रो पड़ी मेरा मन कर रहा था कि मैं वृक्ष को गले से लगा लू जिसको भी मिलू गले से लगा लू इतना आनंद अंदर में आ रहा था ये सब जो उस व्यक्ति क्या किया उस व्यक्ति ने एक वाक्य से सारा जो हमारा और आनंद के बीच कंस्ट्रक्शन है ये होने से आनंद आएगा ये होने से आनंद आएगा इफ आई गेट दिस आई विल बी हैप्पी इफ आई गेट दैट आई विल बी हैप्पी उसका एक वाक्य से वो सब टूट गया और वो इसलिए टूटा क्योंकि ये मात्र वाक्य नहीं था ये कहना बहुत आसान है लेकिन इसलिए क्योंकि वो व्यक्ति इस चीज को जी रहा था इट वॉज फॉर ही मे लिविंग रियलिटी उसने कोई फिलॉसफी नहीं बोला कि किताब में पढ़ा है ऐसे सब कुछ आनंद है हम लोग फिलॉसफी बना सकते हैं इस पर वो फिलॉसफी नहीं था उसका रियलिटी था वो इस भाव में जीता था तो जैसे ही वो मिला उसको ये भाव उसने चेतना की एक अवस्था को कम्युनिकेट कर दिया एंड शी रिसीव इट ये सीमित हम जैसे होते जाते हैं वैसे वैसे इस आनंद को खोते जाते हैं इसी का अगर हम एग्जाम्पल ले लें कि कोई व्यक्ति पहाड़ जाते हैं पहले एडवाइस करते थे जब किसी को डिप्रेशन हो जाता था या बीमारी होता था कहते थे पहाड़ घूम के आओ आश्रम का परंपरा था कि लेक में भेज देते थे कि जब ज़्यादा टेंशन हो रहा है जाके लेक में थोड़ा दिन लेक में काम करो लेक में बहुत लोग समझते पनिशमेंट एक्चुअली इट इज़ नॉट ए पनिशमेंट एक तो वहाँ पर थोड़ा इंटेंसिटी ट्रांसफॉर्मेशन का प्रेशर थोड़ा सा यहाँ पर बहुत इंटेंस है और वहां पर फूल है थोड़ा विशालता है उसका बीच में आने से अपने आप अंदर में कोई चीज खुल जाता है तो दिस अभी भी लोग आते हैं और जब पहाड़ का बीच में जाते हैं उनका सब कुछ ठीक हो जाता है लेकिन कितना देर तक जब तक पहाड़ के बीच में है फिर थोड़ा दिन बाद वहां से चलना शुरू करते हैं तो देखिए कैसे कैसे नैरोनेस आता है उतना विशालता पहाड़ के बीच में एकदम आकाश है तारा है पहाड़ है जंगल है फिर पहला चीज याद आता है ये रियल एक्सपीरियंस है मैं इसको एक्सपीरियंस किया हूँ जब भी नैनीताल कैंप लेने जाता हूँ ये एक्सपीरियंस होता है लोग आते हैं नैनीताल बोलते बहुत अच्छा लग रहा है वन निवास है आश्रम का परिसर है जैसे शुरू करते हैं नीचे जाना सबसे पहले फ़ोन आता है बोलते दिल्ली में बहुत गर्मी है तो शुरू हो जाता है एकदम सडनली वो विशालता कहाँ सीमित हो गया दिल्ली हम दिल्ली में हैं वो फिजिकली नैनीताल में है लेकिन मेंटली दिल्ली में चला गया बहुत सीमित हो गया फिर जब थोड़ा और पास में आता है फोन आना शुरू होता है घर में सब ठीक है नहीं वो थोड़ा बेटा का तबीयत ठीक नहीं है तो एकदम परिवार अभी दिल्ली भी नहीं परिवार अभी वो सब धीरे धीरे एक्सपीरियंस इवेपरेट हो रहा है और नैनीताल का बर्फ फ्रीडम आनंद सब चला गया पीछे अभी दिल्ली का गर्मी मेरा परिवार परिवार में यह तकलीफ फिर जब एकदम पहुंच जाते हैं घर में तो उससे भी सीमित हो जाता है ओफ नैनीताल में गए बहुत पेन हो रहा है घुटना में दर्द नैनीताल में याद नहीं आ रहा था लेकिन घर में आके याद आया कि मेरा इधर दर्द है पानी ठीक नहीं था तो पेट में भी ये हो रहा है सडनली सारा जीव, जीवन भर का प्रॉब्लम पीड़ा कष्ट वहां आ जाता है ये एक रियलिटी है रियल लाइफ में भी जब हम लोग जब भी पीड़ित हैं दुखी हैं मतलब बहुत सीमित हो गए और जितना विशालता में प्रवेश करते हैं उतना आनंद में प्रवेश करने लगते हैं एक फंडामेंटल ट्रूथ है माता जी बताती हैं कि दिस इज एट द बेस ऑफ होल क्रिएशन और ये क्यों हम लोग सीमित होते हैं इसी का नाम अज्ञान है अज्ञान क्या है हम लोग एक सीमित अवस्था सीमित चेतना या सीमित सत्य के साथ अपने को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तादात्म्य कर लेते हैं वी आईडेंटिफाई यवर सेल्स विद ए वेरी लिमिटेड कॉन्शियसनेस लिमिटेड ट्रूथ लिमिटेड स्टेट जब उससे आइडेंटिफाई हो जाते हैं तो हम बहुत पीड़ित होने लगते हैं जैसे एक एग्जाम्पल है हम लोग सोचते हैं कि हम ये देह मन प्राण हैं जिसको कहते हैं आध्यात्मिक भाषा में अहंकार ईगो ईगो इज नॉट जिसको साधारण रूप में हम ईगो समझते हैं ईगो इज दिस फॉल्स आइडेंटिफिकेशन मैं यह सीमित सत्ता हूं जिसको लोग आलोक का नाम से जानते हैं अभी यह सीमित सत्ता को बचाना जरूरी है तो जो भी मेरा अपमान करेगा मैं उसको मारूंगा क्यों मेरा अपमान हो रहा है जो मेरा मान करेगा उसको मैं बहुत प्रिय समझूंगा इस सीमित सत्ता को बढ़ाना बचाना उसमें हम लगे रहते हैं और ये सीमित सत्ता के खेल में बन जाते हैं और इसीलिए हमको सीमित सुख और सीमित दुख प्राप्त होता है जब तक उसका लोग प्रशंसा करते हैं हम बहुत खुश होते हैं जब कोई उसको प्रशंसा नहीं करते हैं या निंदा करते हैं तो हम बहुत अफेक्टेड हो जाते हैं मेरा निंदा किया लेकिन ये एक मिथ्या बोध है यहीं से दुख शुरू होता है उससे भी सीमित होता है फिजिकल के साथ शरीर के साथ शरीर का अवस्था के साथ बंधना इससे फ्री होना ये ज्ञान है इसमें बंध जाना अज्ञान है दूसरा प्रॉब्लम आता है कि हम इस सृष्टि का नियम को नहीं जानते हैं क्यों नहीं जानते हैं हम सीमित अवस्था है वही चीज अगर हम सृष्टि को नियम जान जाएं, तो बिल्कुल सब कुछ बदल जाता है इसको एक दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ले लेंगे कि कोई फुटबॉल खेलने जाता है फुटबॉल बहुत मैच आते हैं लोग देखते भी हैं मैच और बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं अब मान लीजिए वो मैच का बीच में कोई ऐसा व्यक्ति जिसने कभी फुटबॉल के बारे में कुछ नहीं जाना उसको अचानक वहां खड़ा कर देंगे और बोलेंगे मैदान में भागो वो बहुत भयभीत हो जाएगा देखेगा बाप रे मैदान में एकदम हाटा कट्टा लोग भाग रहा है एक बॉल है उसको पकड़ना है क्या करना है मालूम नहीं है कभी इधर भागता है कभी उधर भागता है वो सोचेगा कि मेरा पीछे लोग पड़ा हुआ है और भागने का चेस्टा करेगा मैदान के बाहर और मान लीजिए वो कोई तरीका से मैदान के बाहर नहीं भाग सकता है तो कितना नर्वस कितना घबराएगा हम कल्पना नहीं कर सकते हैं कोई छोटा बच्चा अगर आ जाए कभी फुटबॉल खेलने के समय कभी ऐसा होता है यहाँ तो ए अच्छा फील्ड में नहीं होगा लेकिन लोगों ने अनुभव किया होगा हम लोग जब छोटे फुटबॉल खेलने जाते थे गांव का फील्ड होता था उसमें कभी गलती से कोई बकरी का बच्चा या कुत्ता का बच्चा आ गया एकदम घबरा जाता था कि ये लोग क्या कर रहे हैं और एकदम भागने का चेष्टा करेगा फिर कुछ बदमाश बच्चे भी होते हैं जो उसको पीड़ा देने का चेष्टा करते हैं लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं रुक जाते हैं बोलते हैं उसको बाहर जाने दो उसको ये रूल नहीं मालूम है उसी प्रकार से अगर हम देखें हमारा अगर सिर्फ पैर का सीमित चेतना उसको मालूम नहीं है कि ये खेल चल रहा है पैर का सीमित चेतना सोचेगा अरे हम कहाँ आ गए हैं मेरा मालिक कितना खराब है मुझे थक गया हूं लेकिन दौड़ाता चला जा रहा है क्या मिलेगा इसमें लेकिन अगर कोई मालिक से पूछे जो खेल खेल रहा है पूछो तुम ये क्यों भाग रहे हो एक बॉल का पीछे बोलेगा बहुत आनंद आ रहा है तुम क्या जानते हो इतना खेल में आनंद आ रहा है पसीना आ रहा है तकलीफ हो रहा है आनंद आ रहा है देखना कल रोड रेस लोग जाएंगे इतना गर्मी है रोड रेस जाएंगे क्यों वो लोग बोलेंगे जो जाएंगे बोलेंगे हमको आनंद आ रहा है सो जब हम रूल गेम का रूल जानते हैं इसी का नाम है लीला भगवान का लीला आनंद का लीला है जब हम इसमें अज्ञान के साथ खेलते हैं तो दुखी होते हैं सीमित होकर रूल्स नहीं मालूम है किधर जा रहा है क्यों जा रहा है लेकिन जब ज्ञान के साथ इसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो वही चीज जो हमको अज्ञान दे रहा था पीड़ा दे रहा था वही चीज हमको आनंद देने लगता है शरीर का कष्ट होता है चैलेंज है जैसे फुटबॉल में लोग चैलेंज लेते हैं हमको गोल करना है इतना सारा प्रॉब्लम है लोग गिर के भी गोल करते हैं इट्स ए चैलेंज और चैलेंज का अपना आनंद है शरीर का पीड़ा है डॉक्टर बोलेगा रोग है बहुत मन के अंदर भय डाल देगा ये बीमारी है वो बीमारी है ऐसा करने से ऐसा होगा ये करने से वैसा होगा लेकिन एक दूसरा देखने का भाव है इट इज ए चैलेंज ठीक है मैं अपना शरीर के साथ एक खेल है मैं देखता हूं कि किस सीमा तक मैं इस चैलेंज को निभा सकता हूं निभाने का मतलब ये नहीं कि उस चैलेंज को मैं स्वीकार करके दुखी होऊंगा। इट इज अ चैलेंज बिटवीन द इटरनल कॉन्शियसनेस एंड दिस लिमिटेड फ्रैगमेंट वह जो मेरे अंदर शाश्वत सस्त है जो अनंत है जो सर्वशक्तिमान है उसका बीच में और ये जो सीमित है जो रिजिस्ट कर रहा है बोल रहा है मैं नहीं ठीक होऊंगा। जैसे बच्चे लोग कभी कभी बहुत क्रोधित हो जाते हैं बच्चे क्यों बड़े भी होते हैं मैं नहीं बात करूंगा और देखने से लगता है लोगों को गुस्सा आता है ऐसे लोगों पर गुस्सा नहीं करना चाहिए बहुत पीटी होता है कि क्रोध में बात करना बंद कर देंगे कोना में चले जाएंगे उस प्रकार से ये शरीर कभी कभी हम लोगों से नाराज हो जाता है बोलता है मैं तुमसे बात नहीं करूंगा कोऑपरेट नहीं करूंगा स्ट्राइक पर चला जाऊंगा तो उसके साथ हम लोग को वैसे ही जब हम डील करेंगे अज्ञान का खेला क्या है ये बहुत भयानक बीमारी है कितना दुख का बात है इतना अच्छा आदमी को इतना बड़ा बीमारी हो गया ऐसा बीमारी की डॉक्टर लोग नाम भी नहीं ले सकते हैं ठीक से बहुत से बीमारी के नाम भी लेने बहुत कठिन होते हैं लेकिन एक दूसरा उसको देखने का भाव है कि मैं फिर भी अनंत हूं और आनंद में हूं सर्वशक्तिमान हूं ये जो सीमित है इसका ऊपर मुझे कार्य करना है ये मेरे लिए चैलेंज है और जितना अधिक व्यक्ति के अंदर संभावना होता है उतना अधिक उसको चैलेंज फेस करना होता है ये अंदर का सत्य है जब एक बार हम ये रूल जान लेते हैं गेम का तो हम बहुत आनंद से भरते हैं माता जी कहती है जब तुमको कोई पीड़ा कष्ट ज्यादा है तुमको सोचना चाहिए ओ भगवान मुझे इसके योग्य है लेकिन जब हमको रूल नहीं मालूम होता है तो हम दुखी होते हैं यही एक केवल ये नीडल हटाने का फिर खेल है सबसे टॉप लेवल गेम में किसको दिया जाता है बहुत वहां लेकिन भय होता है भय को जीतना होता है लेकिन वो लेवल तक किसको दिया जाता है जो लायक है जो रेडी नहीं है उसको बहुत प्रॉब्लम होगा भयभीत हो जाएगा मुझे मालूम है छोटा था तो मैं क्रिकेट खेलना बहुत सब बच्चों लोग को अच्छा लगता है तो थोड़ा बहुत अपना हम लोग तो मोहल्ला लेवल पर खेलने से लगता है बहुत बड़े बैट्समैन हो गए हैं तो एक फ्रेंड ने जाकर के बोला एक कैलकाटा में खेलता है बॉलर तुम बैटिंग करो उस अच्छा लगे मैं बहुत एक्साइटेड होके गया बैटिंग करने फर्स्ट बॉल किया इतना तेज बॉल कुछ दिखाई भी नहीं दिया उसका पहले स्टंप खत्म चला गया नेक्स्ट टाइम खड़ा हुआ नेक्स्ट टाइम अगेन बोल्ड थर्ड टाइम में बहुत भयभीत था कि ये तो स्टम्प जा रहा है इतना तेज कर रहा है पाव पर लगने से क्या होगा तो बॉल कर रहा था मैं साइड में हो गया तो क्लीन बोल्ड तीन बॉल में तीनों में क्लीन बोल्ड वही चीज उस समय में छोटा था जब थोड़ा बड़ा हुआ तो वही बॉल को फेस करने में बहुत अच्छा लगता था अच्छा से बॉलिंग नहीं करने से मजा नहीं आता था कि क्या बच्चा जैसा बॉलिंग कर रहे हो दिस इज द डिफरेंस सेम प्ले जो भयभीत करता है वही प्ले आनंदित करता है यही सृष्टि जो भय का कारण है जब हम सीमित हैं जब हमको लगता है ओफ़ हमको किसी तरह अपना जीवन को प्रिजर्व करना है किसी तरह अपना जीवन बचाना है किसी तरह संग्रहण करना है कुछ हो जाएगा ये हो जाएगा वो हो जाएगा ये रूल नहीं मालूम है हमको खेल का तो एक लंबा समय तक हमको खेल का तैयारी करना है जब रूल मालूम हो जाता है तब तो हम कहते हैं अभी हम देखते हैं क्या चैलेंज है बीमारी है कोई बात नहीं है क्या बीमारी है कैंसर है नो no प्रॉब्लम ये मेरा अंदर जो सत्ता है जो सत्ताधारी है कैंसर से ज्यादा बलवान है दो ही चीज होगा या तो मेरा शरीर ठीक होगा या मेरा शरीर मृत होगा दोनों अवस्था में मैं तो अनंत हूं आई एम स्टिल देयर मुझे कोई टच नहीं कर सकता है ये माँ कहती हैं फर्स्ट स्टेप टू फ्री वन सेल्फ फ्रॉम दिस एंगेजमेंट और बहुत सुंदर माँ का ये कि डिफरेंस एक जान के खेले में और जब हम नहीं जानते हैं उसमें क्या अंतर है और ये क्यों शुरू होता है अकॉर्डिंग टू वॉटरबिंदो सेज द रियलिटी ऑफ द यूनिवर्स इज वॉट इज कॉल्ड गॉड बट एसेंशियली इट इज डिलाइट जिसको हम लोग कहते हैं भगवान माँ कह रही हैं ये उपनिषदों का सत्य है ऋषियों का पाया हुआ सत्य है व्यक्तिगत स्तर पर हम लोग चैत्य अनुभूति के द्वारा इस सत्य को पा सकते हैं बहुत दूर जाने का जरूरत नहीं है कि ये संसार के पीछे ये ब्रह्मांड के पीछे सृष्टि के पीछे आनंद है चिरंतन आनंद है भगवान की प्रकृति क्या आनंद है भगवान से हम संपर्क में आ रहे हैं कैसे मालूम पड़ेगा आनंद का वर्धन होगा यूनिवर्स इज क्रिएटेड इन डिलाइट एंड फॉर डिलाइट सृष्टि का प्रारंभ आनंद के अंदर हुआ है और आनंद के लिए हुआ है श्री अरविंद उपनिषद में है आनंद अर्थ आनंद के लिए लास्ट वर्ड क्रिएशन का दूनिवर्स इज क्रिएटेड इन डिलाइट एंड फॉर डिलाइट बट दिलाईट कैन एग्जिस्ट ओनली इन द परफेक्ट वननेस ऑफ द क्रिएशन विद इट्स क्रिएटर एंड शोरबिंदो डिस्क्राइब्स दिस वननेस एज द दैट इज द्रिएटर जब हम एकत्व के भाव में जीते हैं तो हम इस सृष्टि के कर्ता के साथ एक हो जाते हैं और हम स्वतः ही उस आनंद को अनुभव करते हैं कितना भी बाहरी परिस्थिति भयानक हो वो आनंद अक्षुण्य अक्षय बना रहता है उसमें कमी नहीं आता है एक बड़ा सुंदर स्टोरी है इनका अपने निशिकांत दा का बहुत सारे रोग थे उनको डायबिटीज ब्लड प्रेशर गेस्ट्राइटिस आर्थराइटिस तो एक बार किसी ने उनको आके बोला निशिकांत बहुत पाँव में मेरा कष्ट होता है और बोल के चला गया निशिकांत दा अपना मित्र को बोलते हैं देखो ये थोड़ा पाँव का दर्द हो गया बोलता है कष्ट होता है मेरा शरीर तो लेबोरेटरी है बीमारी का खास <laughs> करके माई बॉडी इज ए लेबोरेटरी ऑफ डिजीज भगवान इसमें परीक्षण कर रहा है जितना रोग का परीक्षण करना है, कर रहा है परेशान हो गया दिस इज द इनर डिलइट और ये आनंद क्यों समाप्त हुआ एंड इट इज बिकॉज ऑफ डिविजन बिकॉज दर नो लॉन्गर पजेस एंड बिकॉज दो लॉन्गर पजेज दर डिविजन इज क्रिएटेड And the essential delight is changed into ignorance. Prathakatva ka bhav se. Main ye alag hai. And this ignorance is the cause of all suffering. Yehi agyan, sab pira ka origin hai. All those who have had the inner experience, have had this experience, that the moment one re-establishes the union with the divine source, ऑल सफरिंग disappears. जैसे ही हम अंदर जो भगवान हैं उनका स्पर्श में आते हैं इसलिए भगवान पाने योग्य है कितना भी कष्ट पीड़ा हो इट इज ए सिंपल प्राइज क्योंकि एक बार टच करने के बाद बहुत आनंद में व्यक्ति जीता है इनफैक्ट माँ कहती है ऑल सफरिंग डिसअपियर्स सब पीड़ा समाप्त हो जाता है

पूरा समस्या शुरू हो जाता है दे इज एन एंटायर लाइन ऑफ सीकर नॉट एज डिलइट वट इज ए डिजायर एंड इंस्टेड ऑफ सींग दोल्यूशन इन ए वनस विच रिस्टोर्स टू अस दशियल डिल्ड दे कंसिडर दैट द गोल एंड ऑल्सो दोटल रिजेक्शन एंड ए रिटर्न टू एनिशन संसार की सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में माँ कह रही दो विचारधारा है एक ये कि आनंद से उत्पन्न हुआ है ये उपनिषदों में कहा गया है वेदों में कहा गया है माताजी जी शेरविंद इसी बात का पुष्टि करते हैं यह सृष्टि आनंद से उत्पन्न हुई है एक दूसरी विचारधारा है जो बुद्धिस्ट विचारधारा है कि आनंद से नहीं ये डिजायर भगवान का अंदर कामना जागा जो वो अपने आप में एक पैराडॉक्स है और उस कारण सृष्टि उत्पन्न हुई जब तक सृष्टि है तब तक कामना है और जब तक कामना है तब तक सृष्टि है तो इसको तरीका क्या है सृष्टि के बाहर कामना का त्याग करके चले जाना ये एक लाइन है श्री अरविंद कहते नहीं सृष्टि के आदि में आनंद है अंत में आनंद है और सृष्टि के अंदर रहते हुए हम इसी आनंद को अनुभव कर सकते हैं और इस आनंद से जुड़कर ये जीवन जी सकते हैं That is a fundamental difference philosophically. This conception amounts to an essential misunderstanding. The methods recommended for self liberation are methods of development which can be very useful, but this conception of a world that is essentially bad, for it is the result of desire, and from which one must escape at all costs. And as quickly as possible has been the greatest and most serious distortion of all spiritual life in the history of mankind. अभी भी बहुत लोगों के मन में यही चीज घूमता है पुराना योग का छाप है ये संसार भय का चीज है ये संसार छल करता है ये संसार बंधन है इससे भागो ये छूने से दूषित हो जाएगा ये रॉन्ग कंसेप्शन है ये संसार आनंद का सृष्टि है हम आनंद के साथ एकत्व होकर ये संसार में भाग ले सकते हैं एक नया पुरा, पुराना योग में भी था बीच में पुराना मतलब एकदम पुरातन उपनिषदों में ये चीज है एक बड़ा सुंदर उपनिषद है जिसमें कहानी आती है कि एक शिष्य से एक शिष्य गुरु के पास ज्ञान पाने जाता है तो गुरु कहता है ध्यान करके बताओ कि सृष्टि का आदि और अंत क्या है तो शिष्य ध्यान करता है बोलता है जड़ पदार्थ यही मैटर इज दिग्निंग मैटर इज द एंड गुरु कहता है तुम थोड़ा ध्यान और गहराई में जाओ और बहुत साल लगाता है आके बोलता है प्राण तत्व है इसका आधार यही प्राण है जो जड़ तत्व को पोषित करता है उसको प्राणवंत करता है जीवन देता है और फिर जब ये जड़ तत्व समाप्त होता है तो प्राण तत्व में मिल जाता है गुरु बोला ठीक है तुम्हारा थोड़ा प्रोग्रेस हुआ और गहराई में जाओ और गहराई में जाता है कंटेंप्लेट करके आता है मन तत्व है इस सृष्टि का प्रारंभ में और अंत में मन है मन से प्रारंभ हुआ है मन ही इस प्राण को दिशा देता है और जब ये सब कुछ समाप्त होता है तो मन तत्व में चला जाता है कहते ठीक है बहुत अच्छा और गहराई में जाओ और गहराई में जाके कहता है मन से पर एक सत्य है जो सृष्टि का आधार है जिसको सुप्रामेंटल ट्रूथ कहते हैं शीरविंद उससे सब कुछ उत्पन्न हुआ है स्वयं मन उससे निकला है और सब कुछ उसमें चला जाता है गुरु कहते हैं ठीक है बहुत आगे तुम आगे एक कदम और ले लो थोड़ा और ध्यान करो तो ध्यान करता है अंत में कहता है आनंद ही इस ब्रह्म आनंद ही ब्रह्म है आनंद ही प्रारंभ है आनंद ही अंत है गुरु कहते हैं आप तुम्हारा ग्रेजुएशन पढ़ाई पूरा हो गया नाउ यू आर फ्री सो यहां पर माँ उसी चीज को बता रही हैं कि सृष्टि के प्रारंभ और अंत में लेकिन बीच में एक बहुत सीरियस डिस्ट्रॉशन हुआ आध्यात्मिक विचारधारा में फिर माँ कहती इट माइट ए पर्टिकुलर टाइम शायद एक समय इस विचारधारा का उपयोगिता था फॉर एवरीथिंग इज यूजफुल इन द वर्ल्ड हिस्ट्री बट दिस यूटिलिटी हैज पास्ट इट इज आउटवोन अब इस विचारधारा का उपयोगिता नहीं है एंड इट इज टाइम फॉर दिस कंसेप्शन टू बी सुपरसीडेड एंड फॉर एस टू रिटर्न टू ए मोर एसेंशियल एंड हायर ट्रूथ टू गो बैक टू द डिलाइट ऑफ एग्जिस्टेंस जॉय ऑफ यूनियन एंड मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिवाइन ये पुराना विचारधारा था सृष्टि खराब है खराब रहेगी कामना से बनी है इसको त्याग करके चले जाओ नया विचारधारा जो उसके ऊपर का विचारधारा है सृष्टि आनंद से बनी है आनंद से पोषित होती है और इसमें आनंदित होकर हम रह सकते हैं भाग ले सकते हैं दिस न्यू ओरियंटेशन आई मीन न्यू इन इट्स टेरेस्ट्रियल रियलाइजेशन मस्ट रिप्लेस ऑल दमर स्पिरिचुअल ओरिएंटेशन एंड ओपन द वे टू द न्यू रियलाइजेशन विच विल बी ए सुप्रामेंटल रियलाइजेशन अतिमानसिक संसिद्धि के ओर जाने के लिए यह ओरिएंटेशन आना चाहिए कि सृष्टि आनंद से प्रकट हुई है दैट इज वाई आई टोल्ड यू लास्ट वीक दैट ओनली डिलाइट the true divine delight can bring about the victory. ये लास्ट वीक माँ कहती हैं कि हम लोग सोचते हैं कि पीड़ा भगवान जानबूझ के चाहते हैं कि हम लोग पीड़ा से गुजरे लेकिन ये सच नहीं है माँ कहती हैं कि ये जो सृष्टि है ये डिलाइट से बनी है और हमको ये रास्ते में भी मार्ग का आनंद होना चाहिए इट इज ओनली डिलाइट इट इज नाइदर सेक्रीफाइस नॉर रिनशन नॉर वीकनेस विच कैन ब्रिंग द विक्ट्री कितना बोल्ड करेजियस स्टेटमेंट है नाइदर सेक्रीफाइस नॉर रिनशन नॉर वीकनेस कौन छोड़ता है किसी चीज को जिसको भय होता है कि इससे मैं बंद जाऊंगा जो भयभीत नहीं है जो अनंत है किसी से बंधा नहीं है माँ कहती स्टार्ट विथ दैट वो विजय लाएगा इट इज ओनली डिलाइट ए डिलाइट विच इज स्ट्रेंथ एंड्योरेंस सुप्रीम करेज जब आदमी इस भाव में जीता है कि सब चीज के पीछे आनंद है वो किस चीज से भयभीत होगा मृत्यु से नहीं जीवन से नहीं जीवन में भी आनंद है मृत्यु क्या है शरीर प्रकट हुआ चला गया आनंद वैसा का वैसा है द डिलाइट ब्रॉट बाय द सुपरामेंटल फोर्स इट इज मच मोर डिफिकल्ट देन गिविंग एवरीथिंग अप एंड रनिंग अवे इट डिमांड्स एन इंफिनिटली ग्रेटर हीरोइज्म बट दैट इज द ओनली वे टू कॉन्कर चीजों से भागना विजय नहीं है चीजों के बीच में पूर्ण आनंद के साथ पूर्ण ज्ञान के साथ वही लीला में भाग लेना यह विजय का प्रारंभ है मां का एक वाक्य उससे हम लोग बंद करेंगे इट इज नॉट ए क्रूसीफाइड बॉडी बट ए ग्लोरीफाइड बॉडी दैट विल सेव द वर्ल्ड सृष्टि का सत्य मार्ग का सत्य पीड़ा और कष्ट नहीं है सृष्टि का सत्य और मार्ग का सत्य आनंद है